नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छी प्रकार से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। मैं हूं जयप्रकाश। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कागजी बारहमासी नींबू की पहचान कैसे करें और नींबू का पौधा कैसा होता है और कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ और वो पौधा भी दिखाऊंगा कि नींबू का पौधा कैसा होता है। तो यही कहूँगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इससे पहले चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि होम गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो समय समय पर सबको दिखाता रहूं। तो वीडियो को करता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कागजी बारहमासी नींबू का पौधा है। आप इसकी पत्तियों से भी इसको पहचान सकते हैं। ध्यान से देखिए इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं। नींबू की पत्तियाँ बहुत तरीके की होती हैं मगर कागजी बारहमासी नींबू की पत्तियाँ थोड़ी सी अलग होती है। और इसमें देखिए इस तरह के फल आते रहते हैं और फ्लावरिंग होती रहती है। मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग नर्सरी से थोड़ा बड़ा ही प्लांट लें जिसमें फल आ रहे हों, फूल लग रहे हों। देखिए ऐसे ही गुच्छों में इसमें फल फूल आते रहते हैं। दोस्तों मैं दूसरा प्लांट दिखा रहा हूं, इसकी पत्तियों को आप ध्यान से देख लीजिए। बहुत नर्सरी वाले थोड़ा बेवकूफ़ भी बनाते हैं और आप उनसे बच के रहिएगा। आपको जो भी पौधा लेना है नर्सरी से कागजी बारहमासी नींबू को, थोड़ा बड़ा प्लांट लीजिएगा जिसमें फल फूल आ रहे हों। ये भी वही पौधा है लेकिन अभी इस वक्त इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट मैं यही दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए इसमें बहुत ही क्लोजअप में ये देखिए फूल और फल दोनों आ रहे हैं। तो आप पत्तियों से पहचान सकते हैं। ये गमले में लगे हुए हैं, ये देखिए कागजी बारहमासी नींबू के पौधे देख सकते हैं। पत्तियाँ दोस्तों आप देख लीजिए। इस नींबू की खासियत ये होती है दोस्तों कि ये इसका छिलका जो होता है पतला होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जो बाज़ार में नींबू मिलते हैं ये वही होते हैं। और आप इसको टेरेस गार्डन या ज़मीन दोनों जगह लगा सकते हैं। अगर ज़मीन में लगाना है तो 1x1 का गड्ढा खोद लीजिए और उसमें खाद मिट्टी यानी वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिला के आप सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अगर गमले में लगाना है दोस्तों तो 50% गार्डन सॉयल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 10% बालू और 10% नीम की खली मिला के ही लगाएं तो गमले में आसानी से कागजी बारहमासी नींबू का पौधा लग सकता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैंने बनाया कागजी बारहमासी नींबू के ऊपर था। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। इससे पहले चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि होम गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो समय समय पर सबको दिखाता रहूँ। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।